मैंने बनाया था आरसी रेस ट्रैक मेरे पूरे रूम के अंदर। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने ये वाले आरसी कार को चूज किया था हमारे सबसे ज्यादा ओपी सबसे ज्यादा खतरनाक आरसी रेस ट्रैक पे चलने के लिए। तो गाइस ये रहा अपना प्लान। ऑल राइट गाइस, तो ये अपना पूरा प्लान है इस ट्रैक का। और ये तुम लोगों को देख के कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं समझाता हूँ। ये मेरा बेड है, ये अपना डेस्क है और ये छोटा टेबल है जो बाजू वाला है, और अभी हमें सब कुछ को लगाना है। चलो गाइस ट्रैक बनाना चालू करते हैं। तो अभी तक अपना ये सस्पेंशन ब्रिज जो है ये लग चुका है, अपना पूरा सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे ये रस्सियों पे लटक रहा है और यहाँ पे एक दो तीन चार रस्सी लगे हुए सस्पेंशन ब्रिज के लिए। तो ये एक चीज लग चुका है और होपफुली ये स्ट्रांग इनफ है अपने गाड़ी को संभालने के लिए, वरना अपना गाड़ी नीचे गिर जाएगा। अभी अपने को बाकी का सब कुछ लगाना है, पूरा बिस्तर कचरा पट्टी हुआ पड़ा है, फटाफट इसको लगाने का है और शुरू करते आज का वीडियो। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कमेंट सेक्शन से 10 रैंडम लोग के नाम चूज करूंगा जिनके नाम को मैं लिखने वाला हूं अपने पूरे ट्रैक के ऊपर, और अभी हम लोग अपना ट्रैक बना रहे। तो गाइस अभी टाइम आ चुका है 10 लोगों के नाम पिक करने का और उनके नाम को ट्रैक पे लिखने का। सो गाइस ये अपना वीडियो है और इस वीडियो में 6000 कमेंट्स है। अभी इन 6000 कमेंट्स से अपने को 10 कमेंट चूज करना है, बहुत डिफिकल्ट काम है गाइस, बट देन अपने को करना पड़ेगा। ओके हमने वीडियो का लिंक डाल दिया यहाँ पे, हमें 10 विनर्स चाहिए और पिक अ विनर। तो अभी बस कुछ ही समय में गाइस 10 लोग के नाम अपने पास आ जाएंगे और उनके नाम को हमें लिखना है पूरे ट्रैक के ऊपर। तो इसने काम कर दिया, ये रहे अपने 10 विनर्स। तो हमारे पास है टाइगर एक्स गेमिंग, इलू बॉय, ड्रीम एफ एफ, डीप गेमर, नूप प्लेयर गेमिंग, वाई देही, देवांशु, एलविश सिस्टम। एलविश भाई इधर भी जीत गए गाइस, एलविश ने सिर्फ बिग बॉस नहीं जीता, एलविश अपना ये कमेंट भी जीत गया। और हमारे पास है सनेश गोडसल और टीजी रैपिड गेमिंग। तो चलो जल्दी चल के सभी नाम को अपने को ट्रैक पे लिखना है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई ये बंदे का क्या नाम है, इसके नाम में नाम कम और फुल स्टॉप ज्यादा है, बट कोई बात नहीं हम लिखेंगे। कितना फुल स्टॉप एक नाम के अंदर। अभी इसके नाम में एक और लफड़ा है, इसके सिस्टम में कितना है, मैं एक गोटिया गिनके बता रहे कितना है मैं सिस्टम में। गोटिया परेशान हो गया गाइस, गोटिया को भी पता नहीं कितना है मैं, बहुत है मैं गाइस, बहुत बड़ा सिस्टम है। बस ऐसे ही करते, इतना साइंस मेरे को आता है बस। अच्छा सॉरी साइंस नहीं, मैथ्स होता है ना, ये मैथ्स होता है ना गोटिया, हाँ सॉरी मैथ्स, इतना मैथ्स मेरे को आता है। तो गाइस ये है अपना आरसी कार का ट्रैक और इसको हमने 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, प्लेन्स, माउंटेन्स और मेसा प्लेटू। और इस हर बायोम में हमारे पास है अलग अलग चैलेंजेस। प्लेन्स बायोम में हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और हमारा सबसे पहला ऑब्स्टिकल है रम्बलर्स, फिर रम्बलर्स के आगे है ग्रेवल पिट, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे सी सॉ की तरफ जहां पे हमें 2 सी सॉस पार करने हैं। सी सॉ की मदद से जाना है माउंटेन्स बायोम की तरफ। माउंटेन्स बायोम में आते ही हमें सबसे पहले पहाड़ से नीचे उतरना है और फिर हमें वापस एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, जिसके बाद हमें फिर रिटर्न इसी पहाड़ पर आना है और वहां से शुरू होगा हमारे इस ट्रैक का सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट, जिसको मैं बुलाता हूँ सस्पेंडेड हैंगिंग ब्रिज। और ये हैंगिंग ब्रिज सिर्फ लिटरली 4 रस्सियों पे लटक रहा है और आई थिंक सो ये एनी टाइम टूट सकता है, टूट गया तो वंदे लग जाएंगे। तो इस सस्पेंडेड हैंगिंग ब्रिज से हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे अगले बायोम की तरफ जो है द मेसा प्लेटू बायोम। इस बायोम में हमें हमारे आरसी कार को ड्राइव करना है लिटरली पहाड़ के कोने में, अगर थोड़ा भी चक्का इधर उधर गया तो डायरेक्ट गाड़ी खाई में। और गाइस इस बायोम में है इस पूरे ट्रैक का सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट, ये ब्रिजेस। और गाइस मेरे टेस्टिंग अनुसार ये ब्रिजेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये पहले वाले ब्रिज को पार करके प्लेन्स पे जाना है और फिर हमें ये दूसरे वाले ब्रिज को पार करके वापस प्लेटू में आना है। और गाइस ब्रिज पार करके प्लेटू में आने के बाद हम आएंगे इस ट्रैक के फिनाले में जहाँ पे हमें इस वाले रैप के ऊपर से जंप करके जमीन पर लैंड करना है और वो भी हमारे चक्कों पर। अगर अपने आरसी कार उल्टा पुल्टा कैसे भी लैंड किया तो हम लोग ये चैलेंज हार गए। तो गाइस अब तक ट्रैक पूरा बन चुका है, अब चल के अपने आरसी कार को थोड़ा सजाते, अच्छा नहीं लगेगा ना इतना भारी ट्रैक बनाया तो आरसी कार भी तो सजना चाहिए।
अबे वर्ल्ड कप के अंदर अपना आरसी कार, भाई वर्ल्ड कप के अंदर इन लोग आरसी कार चला रहे, सालो मैच खेलो आरसी कार को चला रहे हो, नुबड़े गई के। तो गाइस हियर अपना आरसी कार पूरा पेंट वेंट होके एकदम चमकता हुआ, यार क्या मस्त लग रहा है ये आरसी कार, देखो क्या दिखता था पहले और अब ये क्या दिखता है, कितना खतरनाक लग रहा है आरसी कार। और बाय द वे गाइस ने बताया था कि मैं कमेंट सेक्शन से एक बंदे का कमेंट पिक करने वाला, कमेंट में सबसे ज्यादा पसंद आएगा और उसका नाम मैं लिखता वाला अपने आरसी कार के ऊपर। बट तुम लोग ने एक तो इतने सारे कमेंट्स, ऊपर से तुम लोग ने इतने खतरनाक वाले कमेंट किए कि भाई मेरे लिए मतलब लिटरली पॉसिबल नहीं है मैं एक जन को पिक करूं, तुम लोग सारे ओपी हो, तुम लोग सारे मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो एक काम करेंगे, अपन इस गाड़ी के ऊपर क्या लिखने वाले, अपन इस गाड़ी के ऊपर अपना सबका नाम लिखने वाले। तो यहाँ पर अपन जाके लिखने वाले है प्रोएस्ट आर्मी, ये गाड़ी तुम सबको डेडिकेटेड है गाइस, आई लव यू ऑल, तुम लोग सब लोग बहुत ओपी हो। अरे बाय द वे तुम लोग को ना एक चीज बताना रह गया, इस पूरे ट्रैक को पार करने के लिए मेरे पास है सिर्फ 5 लाइफ्स और मेरा आरसी कार जितने भी बार पलटी होगा या खाई में गिरेगा या बंद हो जाएगा मेरा एक लाइफ लूज होगा। अगर हमने सारे पांचों के पांचों लाइफ लूज हो जाते हैं तो हमें चैलेंज हार जाएंगे और ये मुझे नहीं करना है, इसलिए इस चैलेंज को मेरे लिए थोड़ा इजी करने के लिए हमने इस पे डाला है चेक पॉइंट्स। इस पूरे ट्रैक में हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में जाके एक एक बलून्स लगे हुए, जैसे हम एक बलून्स को फोड़ देंगे हम वो चेक पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे और अगर उसके बाद अपना गाड़ी खाई में गिरता है तो हमें सिर्फ चेक पॉइंट स्टार्ट करना है। सो प्रो स्टार भी अभी टाइम आ चुका है अपने आरसी रेस ट्रैक को स्टार्ट करने का, इन 3 2 1 स्टार्ट। ऑलराइट, सबसे पहले अपना गाड़ी सबसे पहले ऑब्स्टिकल पे आने वाला है जो कि है रंबलर्स, और ये रंबलर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े, तो थोड़ा संभाल के इसको आराम से अपने को निकालना पड़ेगा। ओ शिट, नहीं, थोड़ा फास्ट भगाना पड़ेगा। और यस, अपन ने अपना सबसे पहला ऑब्स्टिकल पार कर लिया है, अपने गाड़ी ने रंबलर पार कर लिया है, अभी जल्दी चल के चेक पॉइंट लेते पहला वाला। ऑलराइट गाइस, अपन आ चुके हैं अपने फर्स्ट चेक पॉइंट के पास, बट एक लफड़ा है, इधर अगर गाड़ी आगे गया तो सीधा बेड से नीचे गिर सकता है और अपन अगर बेड से नीचे अपना गाड़ी गिर गया तो अपना एक लाइफ चले जाएगा और भाई हम लोग इतनी जल्दी लाइफ लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा आराम से अपने को टर्न मार के जाना है और बलून को फोड़ना है और बलून फोड़ते ही गाइस अपना सबसे पहला चेक पॉइंट पार हो जाएगा। ऑलराइट, 3 2 1 यस गाइस, अपन ने अपना सबसे पहला चेक पॉइंट पार कर लिया, अपना पहला चेक पॉइंट आ चुका है, मतलब अभी इसके बाद अगर अपना एक भी लाइफ जाए तो हम लोग गेम को लिटरली यही से रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाए मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपना जो ये चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ना बस लिटरली इतना सा करीब है, अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, बस 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन, उसके पास जल्दी जाओ, उसको जोर से ऐसे के मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, आज के वीडियो का लाइक गोल रखते 50,000 लाइक्स का। ऑलराइट गाइस, ये सबसे ज्यादा मजेदार पैच होने वाला है और अपना गाड़ी, ओ भाई अपन ने बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी चूज किया है भाई, अपन ने बहुत ज्यादा ओपी गाड़ी चूज किया, लिटरली गाड़ी पत्थरों के ऊपर से आराम से जा रहा है। बट अभी गाइस आने वाला इस गाड़ी का सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट और ये है पूरा ग्रेवल, इतने सारे ग्रेवल के ऊपर से आई होप सो अपना गाड़ी आराम से निकल जाए। तो गाइस रेडी, 3 2 1 आजा भाई। ओ शेट, अपना गाड़ी ऑलरेडी अटक रहा है। शेट, नहीं ओ भाई, गाड़ी अपना थोड़ा गाइस थोड़ा अपना गाड़ी ग्रेवल पे अटक रहा है। तो आई थिंक इसका सोल्यूशन स्पीड है क्या? ओ नहीं नहीं, स्पीड नहीं है गाइस, स्पीड में भी गाड़ी अपना अटक रहा है। ओ शेट, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। ऑल राइट, चलो 3 2 1 लेट्स गो। ओ शिट, नहीं, गाड़ी ट्रैक के बाहर नहीं जा सकता। ओके, ओ भाई, ओ और इसी के साथ, ओ शिट, ओ भाई भाई, एक सेकंड के लिए मेरी फट गई थी, मेरे को लगा कि अपना गाड़ी अटक गया, लिटरली अपना गाड़ी अटक गया था, बट अपन ने आराम से ये वाले ग्रेवल पैच को पार कर लिया है। गाइस अपन ग्रेवल पैच के आगे आ चुके हैं और अभी चल के अपने को लेना है अपना अगला चेक पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो अपन इसी के साथ अपने अगले चेक पॉइंट तक आ चुके हैं और अपने को सिर्फ ये बलून फोड़ना है और अपना अगला चेक पॉइंट हो जाएगा। भाई कितने पत्थर है यार, पत्थर लिटरली घुस जा रहे गाड़ी के नीचे। तो चलो यार, ऑलमोस्ट हक दिया था, बड़े की चक्का, एक ही चक्का, कोई टेंशन नहीं गाइस, चलो जल्दी चल के बलून को फोड़ना है। बलून को फोड़ते ही अपना बलून तो फटा ही नहीं। ए बलून इधर आ रहे, मेरे को देखो फोड़ने का है।
गाइस बलून हक दिया अपने ट्रक का। बट ठीक है गाइस, हम लोग अज्यूम करते हैं कि अपन ने बलून फोड़ दिया, ठीक है। बलून उड़ के बाहर चला गया, वो अपनी गलती नहीं है, बलून उड़ के आगे गया, हम लोग बलून फोड़ने आ गए थे, बलून चला गया आगे। बट गाइस चलो, अपन अपने अगले चेक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अभी इस चेक पॉइंट के आगे शुरू होने वाला है सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट इस पूरे बेड वाले पोर्शन का, जो की है सीसॉ। मतलब यहाँ पर अपने को लिटरली गाड़ी को सीसॉ के ऊपर चढ़ाना है और फिर वहां से गाड़ी नीचे गिरेगा और इसमें हगने का बहुत चांस है गाइस। इसमें अपन बहुत ज्यादा हग सकते हैं, तो होपफुली अपन ना हगे और शुरू करते हैं अपना अगला वाला पैच। ओ भाई सीसो चढ़ के, ओ भाई क्या जंप मारा। बट नसीब से गाइस अपने गाड़ी का सिर्फ एक ही चक्का बाहर गया। मेरे को लगा था भाई ओके रुको, पहले इसको बचाना है, पहला फिर बातें करते। ओके ओके ओ शिट ओ शिट, नहीं नहीं, ओ भाई अपन ने गाड़ी को बचा लिया। बट गाइस अभी समय आ चुका है सबसे ज्यादा खतरनाक जंप का। ये जो जंप है, ये जो सीसा है, ये लिटरली बेड से लेके बाहर जाने वाला है। अभी ये बेड टू बेड भी नहीं है, ये हवे में उड़ के बेड से उसको बाजू वाले टेबल तक जाना है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस। ऑलराइट गाइस लेट्स स्टार्ट। तो शिट, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये थोड़ा संभाल के समझ के जाना पड़ेगा, वरना इधर हम लोग हग सकते। ये ऐसा उड़ेगा और जाएगा तो ओके ठीक है यार, चलो अपने पास 5 लाइफ है, एक बार हग भी दिया तो हग दिया, क्या जाता है, 5 लाइफ है। रेडी 3 2 1 फुल स्पीड एंड ओ ओ शिट ओ शिट ओ शिट, अपन ने पार कर लिया पर अपना सीसा नीचे आ गया। और गाइस जिस बात का डर था गाइस वही हुआ, अपना सीसॉ हक दिया, अपना सीसॉ उड़ के पीछे आ गया और अपना गाड़ी अटक गया, अपना गाड़ी ना अभी आगे जा रहा है ना पीछे चला गया, तो अपने को रिस्टार्ट करना पड़ेगा चेक पॉइंट से। ऑलराइट गाइस वापस आ चुके अपन पिछले चेक पॉइंट पे, यहाँ से शुरू करके अपने को ज्यादा आगे पहला सीसॉ कंप्लीट कर लिया। अभी बारी है दूसरे सीसॉ की, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पिछली बार यही पे हक दिया था अपन ने, पर इस बार अपन नहीं हकेंगे, इस बार अपन चालू कर दे रहे 3 2 1। कोई नहीं हंसेगा गाइस, कोई नहीं हंसेगा, बिल्कुल भी कोई नहीं हंसेगा गाइस। ओके गाइस स्लोली 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 स्लोली, फाइनली भाई 2 बार हक के फाइनली यार, ये सीसॉ पे हमने 2 लाइफ गवाया और फाइनली इस बार हमने इसको पार कर लिया, अगला चेक पॉइंट पार कर लिया। गाइस मैं रो देगा रे, मैं रो देगा, मेरे को लगा था इसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, बट फाइनली हम लोग इसके आगे आ चुके। अब बढ़ते आगे। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने आरसी ट्रैक के अगले स्टेज के तरफ। इस स्टेज को हम बुलाते द हिल स्टेज। यहाँ पे अपने को आरसी कार को नीचे लेकर आना है, यहाँ पे चढ़ाना है और यहाँ पे आके चेक पॉइंट बलून फोड़ना है। तो भाई पहले थोड़ा संभाल के वहां पे अपने को टर्न मारना पड़ेगा कि वैसे नीचे गिर ना जाए, तो बहुत छोटा सा प्लान। डेढ़ चक्का बाहर निकला है, डेढ़ चक्का दो नहीं निकला, डेढ़ चक्का बाहर निकला है। तो भाई इसको थोड़ा आगे लेके आते, पहला बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई मेरे को। तो अभी अपना जो आरसी कार है उसको आराम से इस प्लेटफॉर्म से नीचे लेकर आने का है और फिर अपने को इस प्लेटफॉर्म में चढ़ाने का है जहां पर ये बलून लगा हुआ है और अपने को इस बलून को फोड़ना है। तो ओ शिट ओके नहीं, ओ शिट नहीं, थोड़ा तकलीफ है इधर से चलाना। ओके ओ चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गया पर अपने को बलून फोड़ना है। फट जा फट जा गाइस, बलून उड़ के हाथ में आ गया फिर से। बलून नहीं फटा गाइस, पर अपना आरसी कार वहां तक आ चुका है, तो मैं इसको काउंट करूंगा एज अ चेक पॉइंट। थैंक यू बलून। तो अपन गाइस अगले चेक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अभी अपने को गाड़ी को यहां से रिवर्स मार के उतरना है। क्या अपन लोग गाड़ी को यहां पे टर्न मार सकते पूरा? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इधर से अपना रिवर्स मार के उतार ले तो बेटर है। तो अपन इधर से रिवर्स ही मार के उतार लेते हैं, थोड़ा सेफ रहेगा। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ओके अपन ने गाड़ी को नीचे उतार लिया। अभी गाड़ी को अपने को इधर यू टर्न मारना है। आई थिंक इधर अपने बहुत जगह यू टर्न मारने के लिए, ठीक है, इधर अपने यू टर्न मारने के लिए बहुत जगह है। गाड़ी को आराम से यू टर्न मार लेंगे, पहली बार अपने अपने गाड़ी को इतना जगह मिला यू टर्न मारने को। ओके अपन ने यू टर्न मार लिया, अभी गाड़ी को अपन ऊपर लेके जा सकते हैं। और गाइस अभी ऊपर जाने के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट चालू होने वाला है, ये पार्ट है द सस्पेंशन ब्रिज। तो पहले गाड़ी को ऊपर लेकर आते हैं। खत्म। ओह शिट
मेरे को इधर एक लाइफ नहीं लूज करने का था गाइस, इधर अपना एक लाइफ लूज हो गया, अपने पास कितना अभी दो लाइफ बचा है, शिट, और हम अभी तक सस्पेंशन ब्रिज और हमारे हैंगिंग ब्रिज तक आ ही नहीं है। ऑलराइट गाइस, वापस चेक पॉइंट पे आ चुके हैं, चेक पॉइंट स्टार्ट करता है सिर्फ दो लाइफ के साथ। इधर अपने को लाइफ नहीं खोने का था, पर अपन ने अनफॉर्चुनेटली इधर एक लाइफ खो दिया। आगे भाई, भाई अपन ऊपर आ गए, मेरे को इधर और लाइफ नहीं लूज करना है गाइस। ऑलराइट, अभी अपने वो गाड़ी को इधर रिवर्स मारना है, गाड़ी अपना बहुत ही गंदे हालत में इधर अटका हुआ है, थोड़ा संभल के अपने वो गाड़ी को इधर शिट घुमाने का है ताकि गाड़ी किधर से गिर ना जाए। ऑलराइट गाइस, अभी जो ये पार्ट आया इस ट्रैक का, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये है हमारा सस्पेंशन ब्रिज, और ये जो ब्रिज है ये ब्रिज लिटरली लटक रहा है हवे में सिर्फ एक पतले रस्सियों के सहारे। तो होपफुली अपना ये गाड़ी ना गिरे, होपफुली ये ब्रिज ना गिरे। तो भाई पहले अपने को गाड़ी को इधर से ऊपर चढ़ाने का है। ओ भाई, चढ़ गया। गाइस आई कांट बिलीव, ये ब्रिज कैसे नहीं गिरा, मेरे को लगा था ये ब्रिज, ओ शिट, नहीं ये गाड़ी ही ब्रिज, ओ भाई ये गाड़ी ही ब्रिज को फोड़ देता भाई, पूरा रस्सी सस्पेंशन जिस रस्सी पे टिका हुआ है ब्रिज ने उसको खींच लिया था। ओके भाई, तो इस नहीं, थोड़ा संभालना है भाई, इस ब्रिज को हम लोग लिटरली बुला सकते हैं हैंगिंग ब्रिज, ये ब्रिज लिटरली रस्सी पे लटक रहा है, इस पे और कुछ सपोर्ट नहीं है। तो ऑलराइट, अपन अभी इसको यहां से आगे लेकर आते हैं, और आई थिंक नहीं, ये मेरे को लगा था डिफिकल्ट होगा, बट ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। और बाय द वे गाइस, आईने में सब लोग हाय बोलो, गाड़ी को आईने में हाय बोलो, प्रो स्टार भी हेलो एवरीबॉडी, वेरी नाइस। चलो अभी आगे लेके जाने का अपने को, अभी अपने को आगे बढ़ने का है। भाई ये सस्पेंशन ब्रिज मेरे को खतरनाक लगा था, बड़ी उतना खतरनाक था ही नहीं, ये तो भाई बहुत ज्यादा इजी था करता। ऑलराइट गाइस, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था उसको हमने पार कर लिया, ऑलमोस्ट पार कर लिया, अभी खाली वहां जाके बलून फोड़ना है तो अपना चेक पॉइंट भी हो जाएगा। ओ शिट, गाड़ी उधर से पीछे गिरने वाला था, थोड़ा हल्का सा रिवर्स लेके, ओह यस भाई, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, इस सस्पेंशन ब्रिज पे मेरी सबसे ज्यादा फटी पड़ी थी, मेरे को लगा था कि ये सस्पेंशन ब्रिज में अपना गाड़ी हगेगा, बट नसीब से अपना गाड़ी इस ब्रिज पे एक बार भी नहीं हगा, अपन ने आराम से पार कर लिया, और अभी हम लोग इस ब्रिज के आगे आ चुके हैं, और अभी गाइस हमारे पास सिर्फ दो लाइफ बचे, और मेरे को लगा था दो लाइफ में से एक लाइफ अपना ये ब्रिज पे हग देगा, ये जो अपना सस्पेंशन ब्रिज है, बट बिल्कुल भी नहीं गाइस, सस्पेंशन ब्रिज बिल्कुल भी नहीं हिला। बट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे इस पूरे गेम के सबसे फाइनल वाले मोड पे, और ये जो फाइनल स्टेज है, इस फाइनल स्टेज में लिटरली मेरे को अपने डेस्क के ऊपर से गाड़ी लेकर जाना है, और उसके बाद गाइस आने वाला है सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब इस गेम का, इस पूरे आरसी ट्रैक का सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट, जो है ये ब्रिज। इस ब्रिज को मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए, मैं इसको बुलाने वाला हूं द डेथ ब्रिज। इस ब्रिज से गाड़ी किधर भी गिर सकता है, ये ब्रिज का तुम कंडीशन देखो, ये ब्रिज का तुम हालत देखो। पर गाइस ज्यादा नहीं सोचते, जल्दी गाड़ी को चलाना चालू करते हैं, गाड़ी को लेकर आगे आते हैं, और ये माउस पैड में थोड़ा अपना गाड़ी ऐसा आगे पीछे घसड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल है करता, और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के पास, और फाइनली मेरा गाड़ी मेरे सामने आ चुका है। हेलो गाइस, हेलो, गाड़ी फाइनली मेरे सामने आ गया कितने देर के बाद। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं इस पूरे मैप के, इस पूरे आरसी ट्रैक के सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पे, जो कि है अपना डेथ ब्रिज, और अपने को अभी गाड़ी को लाकर आराम से थोड़ा सा रिवर्स मार के पहले गाड़ी को सीधा करना है, और शिट गाड़ी कीबोर्ड पे चढ़ गया मेरा, शिट, नॉट लाइक दिस गाइस, मतलब गाड़ी ब्रिज पे चढ़ा ही नहीं, पहले नीचे गिर गया, और इसके साथ अपना सिर्फ एक ही लाइफ बचता है गाइस, हमने पांच में से चार लाइफ खत्म कर दिए, और हमारा अभी बचा है सिर्फ एक लास्ट लाइफ। ऑलराइट भाई, इस बार अपने को गाड़ी को आराम से लेकर जाना है ब्रिज के ऊपर से, और इस बार भाई यहाँ पे टर्न मारने का जगह ही नहीं है। ओके, मेरी बहुत फट रही है गाइस अभी, इधर मतलब इधर आके अगर मैं अभी हक दूं तो ये भाई बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अपने पास लाइफ ही नहीं बचा है अभी, और अपने पास गाइस बिल्कुल भी लाइफ नहीं बचा है, हम अभी नहीं हक सकते इधर, हम इधर बिल्कुल भी नहीं हक सकते गाइस, इस बार अगर अपना गाड़ी कहीं से भी नीचे गिर गया तो खत्म है, और मैं ओ शिट भाई, मैं रेडी नहीं था गाइस, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, अपना गाड़ी
डायरेक्ट नीचे आ गया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था गाइस, मैं इसके लिए लिटरली मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपना गाड़ी डायरेक्टली नीचे आ गया। पर ओके, अपना गाड़ी एक ब्रिज पार कर गया है, अभी अपने को दूसरा ब्रिज पार करना है जो कि है ये वाला। ओ भाई, अभी हमें दूसरा वाला ब्रिज पार करना है। दूसरा ब्रिज पार करके अपने को भी ऊपर जाना है। और गाइस, आपके पास एक भी लाइफ नहीं बचा है, लिटरली हमारे पास जीरो लाइफ बचा है इसको खत्म करने के लिए। ये अपना लास्ट लाइफ है, इस बार अगर हक दिया तो हक दिया। ओ शिट, तो इस ब्रिज से अपने को ऊपर जाना है। आई थिंक नीचे आना इजी था, पर ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो भाई करते, होपफुली ब्रिज ना टूट जाए। ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, शिट, ओ शिट, ओ भाई, ओ शिट, ओ शिट, ओ भाई गाड़ी, नहीं 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 नहीं, रुको, क्या ये चढ़ जाएगा? ओ ओ चढ़ जा, नहीं, ओ शिट, नहीं 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 नहीं, अपना गाड़ी नहीं होगा गाइस, गाइस नहीं होगा, गाड़ी स्टिल एक्टिव है, गाड़ी स्टिल चल पा रहा है गाइस। मेरे को लग रहा है ये मेरे को स्पीड में करना पड़ेगा। अपना गाड़ी पूरा 360 बार के पीछे आया। शिट शिट, ये भाई हक नहीं सकता। गाइस मेरे को नहीं लगा था ये हो पाएगा। भाई ये गाड़ी लिटरली 360 मारा इतने बार, बट फाइनली अपना गाड़ी ऊपर वापस आ चुका है। अभी अपने वो गाड़ी को इधर घुमाने का है सही से। और गाइस अभी समय आ चुका है अपने आखिरी चैलेंज का, और ये चैलेंज करते ही अपना ये जो आरसी ट्रैक का कोर्स है ये खत्म हो जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे हमारा ये आरसी ट्रैक कोर्स लिटरली जीरो लाइफ पे। जीरो या एक लाइफ, आई थिंक हमारा सिर्फ एक लाइफ बचा है, एक लाइफ, ये लाइफ मर गए तो खत्म हो जाएगा। तो अभी अपने को क्या कर देगा, अपने को गाड़ी को स्पीड में भगा के उस रैंप से जंप कराने का है और जंप करके उस गाड़ी को जमीन पे दो चक्कों पे लैंड करना है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला होने वाला है। गाइस टाइम फॉर द लास्ट जंप, और ये अगर हो गया तो हम लोग जीत जाएंगे। ऑलराइट, इसको मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ओ भाई, अपने को भी इसको ऐसे जंप कराना है और होपफुली ये जंप ठीक से कर पाएगा। ओके, 3, 2, 1। हमने जो हमारा सबसे पहला आरसी का रेस ट्रैक बना उसको हमने पार कर लिया, हम उसको जीत चुके। ओ भाई, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया गाइस। जो तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हमें ऐसे वीडियोस और करने चाहिए या नहीं। और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो के लिए, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, अपना आरसी ट्रैक पे खेल के हो चुका है और अभी मेरे पूरे घर का हालत देखो। रात के 3 बज रहे, मुझे नींद आ रहा है, सोने जाना है और मुझे पहले ये सब साफ करना पड़ेगा। मजा आने वाला है।